स्टूडेंट, आज हम लोग हेलोएरिन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हेलोएल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है हेलोएरिन। हेलोएरिन में हमने आपको पहले ही बताया था हेलोएल्केन और हेलोएरिन के बारे में। जब किसी एल्किल हैलाइड या एल्किल समूह से, एल्केन समूह से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं तो एल्किल हैलाइड या हेलोएरिन बनता, हेलोएल्केन बनता था। और हेलोएरिन की बात है तो जब एरिल या एरोमेटिक कंपाउंड से या एरोमेटिक यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु, चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु हो चाहे एरोमेटिक पे एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित हो जाएं, हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाएं। हैलोजन में हो सकता है क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, क्लोरीन भी हो, ब्रोमीन भी हो और आयोडीन भी हो। इनके द्वारा क्या कर दिए जाएँ, विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोएरिन कहते हैं। अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, बेंजीन। बेंजीन पे यहाँ सब क्या है, सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 6, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन किसी हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाएं। मतलब एक हाइड्रोजन यदि क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो ये, या हैलाइड द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो इसी को क्या नाम देंगे, हेलोएरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोएरिन्स बोलेंगे। तो हेलोएरिन्स किसे कहते हैं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित हो जाएं, हैलाइड द्वारा विस्थापित हो जाएं, तो जो प्राप्त होता है वो हेलोएरिन होता है। हेलोएरिन को दो भागों में बांट दिया गया, एक होता है नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड और एक होता है पार्श्विक प्रतिस्थापन हैलाइड या पार्श्विक श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड। हेलोएरिन में कितनी शाखाएं, कितने भागों में बांटा गया, एक होता है नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड और नेक्स्ट होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। हेलोएरिन क्या है, समझ गए होंगे, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित कर दिए जाए, हैलाइड द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप लोग, एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ या एक से अधिक हाइड्रोजन, उसे हम हेलोएरिन या एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं या हेलोएरिन कहा जाता है। कितने भाग में है, दो भागों में, एक नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड होगा, एक पार्श्विक श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड होगा। नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड की बात करते हैं तो आप इतनी बात जरूर समझ लीजिएगा कि जब हैलाइड किससे जुड़े हों, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़े हों, जब हैलाइड किससे जुड़े हों, डायरेक्टली बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड। क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन होता है, बेंजीन का हाइड्रोजन होता है, वो हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं और वहाँ हैलाइड जाके जुड़ जाता है। तो जो डायरेक्टली नाभिक, बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हो वो नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये कैसे में आ जाएगा, नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड में आ जाएगा। लेकिन पार्श्विक श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड में, जैसे मान लीजिए बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, CH3 लगा है, तो इसे टालुइन कहेंगे। क्या कहेंगे, टालुइन है, लेकिन इसका हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो ये CH2Cl2 बना ले, या एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाए, या एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। तो ऐसे हैलाइड को, या पार्श्विक श्रृंखला, यहाँ की बात, हाँ, पार्श्विक श्रृंखला हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्श्विक श्रृंखला हैलाइड के नाम से जानेंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे कि पार्श्विक श्रृंखला हैलाइड क्या है, कि आप जानते होंगे
यहाँ ये हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl2, ये हो जाएगा CCl3। तो नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड क्या है कि जब प्रतिस्थापित या हैलाइड परमाणु डायरेक्टली किससे जुड़े हों, नाभिक से जुड़े हों या बेंजीन से जुड़े हों, तो उसे नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड कहेंगे। पार्श्विक श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड जो होगा उसमें बेंजीन से कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन की संयोजकताएँ हैलाइड द्वारा क्या हों, हैलाइड द्वारा संयोजित हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्श्विक श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड, जिसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक हेलोएरिन है या एरिल हैलाइड है। पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां पढ़ते हैं, किसकी बनाने की विधियां, क्लोरोबेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं। पहला है बेंजीन, किससे है, बेंजीन से, बेंजीन से हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम बेंजीन ले लेंगे। ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन हो गया। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ एफी चूर्ण या FeCl, इसका मेन उत्प्रेरक क्या है, FeCl3 या एफी चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो इसका हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो हैलाइड द्वारा क्या, क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा और बना लेगा बेंजीन। इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, HCl। इसे क्या नाम देंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो आप जानते हैं बेंजीन से कैसे बनेगा, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ एफी चूर्ण की उपस्थिति में कराएंगे, तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा, और क्लोरीन विस्थापित करेगा तो वहाँ क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बना जाएगा और ये H1Cl के साथ HCl के रूप में मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे एल्कोहल से, किससे बनाएंगे, या आप फिनाल से बनाइएगा, फिनाल से बनेगा, फिनाल से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम फिनाल ले लेते हैं। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, या बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, इसकी किसके साथ, PCl5 के साथ क्रिया करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करा देंगे, तो उसका हाइड्रोजन या विस्थापित हो जाएगा OH और वहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो जाएगा। तो ये फिनॉल है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो फिनॉल की क्रिया किसके साथ, फिनॉल को लेंगे, फिनॉल के साथ PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ का क्लोरीन OH को विस्थापित करके क्लोरीन जुड़ जाएगा, POCl3 बना लेगा और इसका एक H इसके Cl के साथ जुड़कर HCl का निर्माण कर लेता है, तो फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो इससे हम क्या बनाएंगे, हेलोएरिन बनाएंगे या क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, N2Cl, इसे क्या नाम देंगे, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके किसके, कापर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे या कापर Fe के साथ साथ क्रिया कराते हैं। तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये बेंजीन किस में बदल जाएगा, क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड,
क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, कापर चूड़े और HCl की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं। क्या लेते हैं, गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी कापर चूड़े और HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा और वहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन Cl के साथ जुड़कर क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि या सैंडमायर अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया से हम किसका निर्माण करते हैं, क्लोरोबेंजीन का। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, हम क्या करते हैं सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, सैंडमायर रिएक्शन द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि NaNO2 लेंगे प्लस किसके साथ, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, तो ये क्या बना लेगा, बनाएगा क्या, NaCl बना लेगा प्लस HNO2 बना लेगा। देखते हैं, NaNO2 है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ Na के साथ Cl जुड़कर NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेगा, HNO2 का निर्माण कर लेगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो बेंजीन ले लिए, बेंजीन में आप देख रहे होंगे कि बेंजीन के साथ ये बेंजीन और या NH2 लगा दिए तो क्या बन गया, एनिलीन हो गया, क्या हुआ, एनिलीन हो गया प्लस HCl प्लस O2 प्लस HCl प्लस O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, HCl HNO2 के साथ HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण कर देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। आप जानते हैं कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस 2H2O का निर्माण कर लेगा, क्या बनाएगा, प्लस 2H2O का निर्माण कर लेगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्या है, NaNO2 का किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ, तो क्या बना रहा है, NaCl प्लस HNO2। हम एनिलीन दिए, एनिलीन का किसके साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम HNO2 और HCl के साथ क्रिया कराए तो ये किस में बदल गया, बेंजीन डाइजोनियम। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सैंडमायर अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इस अभिक्रिया से किसका, ये प्रयोगशाला विधि है, तो हम इतना निर्माण कर लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बन गया, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये क्या हो रहा है, इसके साथ हम क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किसकी उपस्थित में, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बदल जाएगा क्लोरोबेंजीन में, किस में बदल जाएगा, क्लोरोबेंजीन में, प्लस N2 नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो हम ये कौन सी अभिक्रिया पढ़े, सैंडमायर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि सैंडमायर अभिक्रिया में NaNO2 यहाँ से स्टार्ट है, NaNO2 HCl के साथ NaCl और HNO2 का निर्माण करता है, फिर हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एनिलीन, एनिलीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराते हैं तो HNO2 के साथ, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है और वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जल के साथ मुक्त हो जाएगा, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिए हैं। हम पढ़ रहे थे प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण, जिसमें रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, NaNO2 को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl और HNO2 का निर्माण होता है। इसके बाद एनिलीन लेते हैं, एनिलीन का HNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराएंगे तो वही किस में बदल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थित में कितने डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते कर देता है और N2 गैस मुक्त हो जाती है। ये रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन बनाने की,
प्रयोगशाला भी जिसे हम सैंड मायर अभिक्रिया, पेपर में अधिकतर सैंड मायर अभिक्रिया के नाम से पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट रेसिंग प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। औद्योगिक निर्माण विधि है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, या व्यापारिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाना, या औद्योगिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाना, या रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाना। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, उसका HCl और O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बेंजीन को किसके साथ, HCl और O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कापर और Fe युग्म की उपस्थिति में बेंजीन किसके साथ, बेंजीन HCl के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, क्लोरोबेंजीन बना लेता है। तो हम कितने मोल बेंजीन लेते हैं, 2 मोल बेंजीन ले लेते हैं, प्लस क्या लेंगे, HCl लेंगे, प्लस O2 ले लेंगे, किसके, कापर Fe युग्म की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस ताप, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या लिए हैं, बेंजीन किसके साथ, HCl के साथ O2 के साथ कापर युग्म की है, कापर Fe युग्म के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ 2 मोल क्या बना लेगा, 2 मोल क्या बनाएगा, 2 मोल क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बना लेगा और 2H2O के फॉर्म में मुक्त हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो क्या रेसिंग प्रक्रम द्वारा क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, HCl के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कापर Fe युग्म की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ कितने है, 1 हाइड्रोजन है, तो 2 के लिए 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन द्वारा विस्थापित, तो 2 क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन ये 4 हाइड्रोजन 2H2O के फॉर्म में मुक्त हो जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। कल आपको भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण पढ़ाया जाएगा। जो भी दिक्कत आ रही हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि हेलो एल्केन जो कंप्लीट हुआ है उसमें आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर कर दिए जाएं। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए, और थैंक यू।